ज्ञान, शिव की उपासना से, देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके, अर्घ ध्यान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा था। प्रभु, शिव की पूजा कैसे की जाती है? पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं? उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से तुलोक का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उस महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत कर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भाग्नि को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के साथ वाम बाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है। उन गणेश्वरों को अभी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्त्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूजतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठाक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वतेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियां मूर्तियों
अंगों ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनकी 8 भुजाएं, 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिसका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान सुंदर कांतिमान आभूषण से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं, कणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्यान्हकाल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों से श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वह अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव, अगस्त ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी योग योग में भूतल पर अवतार लेकर अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। रिभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिव्रत, सत्तेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणी, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्याणी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्ते, पराशर, उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण दोपायन मुनि, ये सब व्यासा अवतार हैं। अतः क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम वृत्तधारी व्यासा अवतार तथा युगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष ही मुक्त हो जाते हैं। अगला अध्याय।